गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक नए ब्लॉग पे। और सुबह हो गई है, यहाँ शिवम को उसकी मम्मी ब्रश करवा रही है और बहुत ही सुंदर एक गाना बज रहा है कृष्ण भगवान का। और दिशा यहाँ पे इसी घर में है, जब तक गाना बजता है वो इसी घर में रहती है। तो शिवम का मुंह धोने के बाद हम भी मुंह धो लेंगे, उसके बाद चाय पिया जाएगा। आज रविवार का दिन है, बच्चे वहाँ खेल रहे हैं और वहाँ हमारा एक स्टाफ है आज संडे के दिन का फ़ायदा उठा रहा है, अपने गाड़ी को धो रहा है बढ़िया से। प्यार शिवम अपना लॉलीपॉप्स दिशा को खिला रही है। आहा, इसे खा के बहुत मज़ा आ रहा है। और अभी हमको जो है जाना है चूल कटाने के लिए। तो अभी मेरा चूल जो है बहुत बड़ा हो गया, देख रहे हैं, और गर्मी के कारण रहा नहीं जा रहा है। सुबह शैम्पू करते हैं तो शाम तक में चूल लट्ठा हो जाता है। तो अभी हम चूल कटा करके आते हैं, तो बस अभी चूल देखिए ऐसे कटा लेंगे। अभी हम हाथ रखेंगे तो मेरा चूल बन गया है, अब जा रहे हैं नहाने के लिए। और संतोषी अभी बिंदी खरीद रही है, हमको बोली थी बाजार से लाने के लिए, तो हमको नज़र पड़ा तो हम इनको बुला लिए। शिवम को नहलाना हो गया है संतोषी का, मेरा भी नहाना हो गया है, खाना भी तैयार हो रहा है, इसके बाद खाना खाएंगे और फिर आराम करना है। 3 hours later शाम हो गई है, संतोषी अभी अपने मम्मी से बात कर रही है और इधर दिविशा भी बदमाशी शुरू है इसका। तो अभी हम लोग चलेंगे छत घूमने के लिए। हाँ चलिए छत चलते हैं। चलिए हम भी जाते हैं। क्या गिराई तुम? देखो ये पानी गिरा दी। तुम भी बदमाशी शुरू, चलो छत पे चल के बदमाशी करना। चलिए चलिए छत में, एकदम बहुत अच्छा लग रहा है, हवा चल रहा है। और रूम के अंदर तो गर्मी लग रहा था क्योंकि हम लोग का रूम एकदम टॉप फ्लोर पे है, तो इसलिए गर्मी लग रहा था। अभी बहुत अच्छा लग रहा है हवा, दोनों बच्चा खेल रहा है पीछे में। संतोषी ये भूल गई थी। हाँ भूल गए थे, अभी छत आए तब याद आया कि हम गुटिया भी इसमें दिए हैं बाबू का। और उधर छोटा सा मैदान है, वहाँ बच्चे खेल रहे हैं। चिल्ला रही है खाली। वहाँ वो कुत्ता जो है खुदाई कर रहा है, शायद खरगोश खोज रहा है क्या। ये जो आप देख रहे हैं पीछे, इधर पहले रात में जो है सियार का चिल्लाने का आवाज़ आता था, लेकिन ये खेती वेती कर दिया तो शायद वो लोग यहाँ से चला गया है। वरना पहले रोज़ शाम में एकदम 7-8 बजे के आसपास सियार का चिल्लाने का आवाज़ आता था। चूल कटा के एकदम बहुत हल्का महसूस, छोटा छोटा लग रहा है, लेकिन ये हमको चूल्हे में ज़्यादा अच्छा लगते हैं। इसका चूल बड़ा रहता है ना, हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इनको बोले गर्मी लगता है, बहुत ज़्यादा गर्मी इसको चूल्हे में लगता है। बाबू दोनों वहाँ खेल रहे हैं, ये टहल रहे हैं। टूट जाएगा बेटा गाड़ी, टूट जाएगा तो खेलते रहना। दिविशा दो बार गिर गई, ये गिरती है, अगर इसको टोक दीजिएगा तो ये खूब रोएगी, और नहीं टोकिएगा तो खूब अच्छा है। अपना वजन कम करने के लिए आ जा लड़ेगा हमसे, आ जा आ जा। या या ओरे बाप रे, तू तो आज बहुत ताकतवर है। अच्छा रुको, हम रात में खाएंगे तब बताएंगे तुमको। ठीक है, हार गए। देखिए पापा रस्सी में एकदम जंप कर रहे हैं। हम भी कर लेते हैं, संतोषी की है तो। पापा भी जंप कर रहे हैं, बेटा यहाँ योगा कर रहा है बैठ के योगासन। बेटा यहाँ योगासन कर रहा है, बेटी वहाँ धूल मिट्टी लेके सो के खेल रही है। देखिए कितना घिना गई, घिना के रखी, अभी बिना कपड़ा वपड़ा चेंज किए शरीर पोछे रही नहीं सकती है। 3 hours later
उसी का रोटी बन गया है। क्या समझे थे, रोटी बन गया है? तो गैस को पोछा जा रहा है और सब्जी भी बन गया है? नहीं, सब्जी नहीं बना। तो ठीक है, रोटी सब्जी खा करके अभी हमको नाइट ड्यूटी निकलना है। Tomorrow. जस्ट ड्यूटी खत्म करके, नाइट ड्यूटी खत्म करके अभी आए हैं और इस हफ्ते का ड्यूटी मेरा कंप्लीट, कल रेस्ट है। क्या बाबू रो रही है, सोया हुआ? शिवम उठ गया बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा, सोया था ठीक से? गर्मी हो गया, धूप हो गया, तो छत में जाएंगे नहीं, तो थोड़ा बालकोनी में ही हवा खा लेते हैं। और देखिए तुलसी जी कितनी बड़ी हो गई है। आज एक एलोवेरा को काट के हम अपने मुंह में लगाएंगे। ये वाला जो पेड़ है, ये सजीना का पेड़ है, इसको हर साल काट देता है लेकिन ये बहुत जल्दी बढ़ जाता है। सजीना का पेड़ बहुत जल्दी बढ़ता है। मछली वाला भाई साहब किसका इंतज़ार कर रहा भाई, शायद किसी ने उसको बुलाया है। हम लोग तो आज नहीं खाएंगे मीट मछली, आज तो बुध पूर्णिमा है। और अभी सुबह के टाइम में हमारे यहाँ थोड़ा देर भगवान का गीत चलता है और इसी बीच में संतोष जी अपना काम भी कर लेती है। हमारा मुंह धोना हो गया है और सोच रहे कि आज सुबह ही नहा ले, उसके बाद ही चाय नाश्ता करते हैं, क्योंकि अब दो दिन एकदम छुट्टी है। आज तो हमको जाना ही नहीं है, नाइट ड्यूटी करके आया है और कल मेरा अपना रेस्ट है, तो दो दिन मजा है। तो अभी नहा धो करके चाय नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम अपना फेवरेट सीरियल तारक मेहता का उसका चश्मा देखेंगे और गाना बज रहा है, एकदम वातावरण एकदम मस्त है भाई। और यहाँ पे संतोषी पराठा बना रही है और यहाँ चाय बन रहा है, तो चाय नाश्ता किया जाएगा अभी। 2 hours later. भाई साहब अभी आराम कर रहे हैं नाश्ता वास्ता करके और संतोषी शिवम को पढ़ा रही है। अभी अपना खाना खत्म किया है और संतोषी खाना खा रही है और पीछे हमारा फेवरेट सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा चल रहा है। क्या कर रही है? ये देखिए, ये मेरा बोया का माइक है और हम ऐसे ही रख दिए यहाँ पे। तो ये जो ऊपर में दिया गया ये छोटा सा कवर जो हवा हवा का जो आवाज़ को थोड़ा सा कम करने के लिए, तो इसको मुंह में लेके ये जवारी है। दिशा यहाँ पे खेल रही है चुपचाप से, अभी हम अंदर में देखे तो बिल्कुल डर से गए कि कहाँ है दिशा, तो देख के यहाँ पे आ गए कि खेल रही है। अपना नाम ले लो, दिशा, दिशा। शाम हो गई है, शाम के 5:30 बजे है और चाय पीने का टाइम हो गया, लेकिन उससे पहले छत जाते हैं। संतोषी दोनों बाबू को लेकर के छत गई है, तो थोड़ा छत से टहल करके आते हैं, उसके बाद चाय पियेंगे। कहाँ है देवी? वो शिवम तुम्हारा गाड़ी, मेरा गाड़ी। देखिए ना, मैं साफ कर रहा हूँ। क्या चीज? यहाँ पे 3-4 बार साफ करा चुका है, लगता है इस बार फाइनली खेती किया जाएगा। लगता है आसमान देख के लग रहा है कि आज रात में बारिश हो सकती है। लग तो रही बारिश हो जाए तो बढ़िया है, बहुत ही उमस है, कूलर भी कोई काम नहीं कर पा रहा है। क्या खा रही तुम? बिस्कुट? नीचे नीचे चल, नीचे चल, मम्मी चली गई, मम्मी चली गई बेटी। अच्छा अच्छा, उधर कहाँ जा रही है? चलो आ जा, चलो 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 अंदर चलो। खुल गया चप्पल, है वो खुल गया। चलिए 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 चलिए।
वहाँ देखो खिलौना का पिटारा निकल चुका है दोनों का। क्या किया ये, क्या किया, क्या टूट गया? ट्रेन अच्छा अच्छा मुक्कू दीदी जोड़ देगी, ठीक है। कौन हो रहा है? ठीक से ठीक से खड़ा हो जा। कुछ नहीं, थोड़ा सा मुक्कू बड़ी है। तुम और खाएगा बढ़िया से तब मुक्कू दीदी से भी बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। खाओगे ना? अच्छा अच्छा तुम दूध पीती हो? मम्मी मुझे भी दो ना चाय बना के। तो चाय कब मिलेगा? इनके पापा जा रहे हैं दुकान, दिविशा भी जीत कर रही है, जाएगी दुकान, जाएगी पापा के साथ घूमने जाएगी। लेकर के जाते हैं दुकान, ये जो है बहुत जिद कर रही है, बहुत जिद करती है, घर में रहना नहीं चाहती, घर में रहना नहीं चाहती है। और कुछ सामान भी लेकर के आते इसको दिन भर घुमाई है तो खूब अच्छा। और शिवम को नहीं बताया, नहीं तो वो भी जिद करता है, उसको छुप से छुप के जा रहा है। A few moments later. आ गए दोनों बाप बेटी दुकान से। तो दीदी जो है सबके लिए कुछ लाई है। मम्मी क्या लाई है बाबू? मम्मी के पास जाइए। लवली दुकान से आ गई। बाबू अब तो पसीना पसीना हो गया, बाहर में भी खूब गर्मी है ना? हाँ गर्मी है लेकिन लगता बारिश। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ तुम लोग को? दीदी तुम लोग के लिए कुछ लेके आई है। क्या लेके आई है दीदी तुम्हारे लिए? देखो यहाँ पे, यहाँ चलिए, गर्मी बहुत है, हम लोग फेंटा का आनंद उठाते हैं। आपके घर में भी फेंटा है? अच्छा ठीक है, हमारे घर में पी लीजिए आज फेंटा, फिर बाद में आप अपने घर में पी लीजिएगा। ठंडा है? मजा आ गया। गर्मी में ठंडा ठंडा पी। तो संतोषी यहाँ रात के खाने की तैयारी कर रही है और इस वीडियो को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी देखते, चाहे जितना भी व्यू आता है, हमको उसी के लिए वीडियो बनाने का मन करता है, तो उनको एकदम दिल से थैंक यू। बस उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर भी जरूर करें, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो हमारा वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुँचेगा, जिससे हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।